और देश भर में आज विश्व आदिवासी दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया है। और आदिवासी दिवस के मौके पर रैली शक्ल में प्रमुख चौक चौराहे से होकर सरायपाली नई मंडी प्रांगण में एक सभा स्थल पर पहुंची। कर्मचारी संघ अध्यक्ष सर्व आदिवासी समाज के अमृतलाल जगत ने कहा कि सरायपाली में बूढ़ा देव जी की मूर्ति की स्थापना कर बूढ़ा देव नगर का नामकरण किया गया, जिसमें पिथौरा बसना सरायपाली से हजारों लोग इकट्ठा होकर उत्सव मना रहे हैं। और उन्होंने कहा कि अपने हक और अधिकार को पाने के लिए आने वाले समय में सर्व आदिवासी समाज छत्तीसगढ़ के चुनाव में 50 सीटों में अपने प्रत्याशी उतारेगा और चुनाव लड़ेगा, जिससे आदिवासी समाज के लोगों को उनका हक और अधिकार मिल सके। मनाने के लिए सब इकट्ठा हुए हैं और हमारी सामाजिक परंपरा और आदिवासी परंपरागत नाचन नृत्य ये सब रहा और इसमें बहुत ही जुटा देखने को मिल रहा है और दिन आज हर साल में मनाया जा रहा है। बहुत ही खुशी की बात है कि आज सरायपाली में विश्व आदिवासी दिवस के आयोजन हमारे सर्व आदिवासी समाज के भाई मन करे हैं और ये जगह में आके मैं अपने आप का बहुत ही गर्वान्वित महसूस कर रहा था कि आज हमारे आदिवासी मन एक मंच में उपस्थित हो गए, एक साथ हमन हर अपन संस्कृति ला आगे बढ़ाए पर एक साथ संकल्पित होकर के जगह में एकत्रित हुए। आज ये कार्यक्रम 9 अगस्त को पूरे विश्व में मूल आदिवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है, उसी संदर्भ में आज हम सब लोग पूरे आदिवासी समाज छत्तीसगढ़ में 42 जनजाति के लोग हैं, अभी एक नया जनजाति जुड़ गया है बिहिया, सब मिल करके यहाँ इकट्ठा हुए हैं। ये ऐसा मंच है जहाँ पर हम लोग हमारी समस्याओं को हमारी उपलब्धि को सबको मिल करके एक अपना सरकार को संदेश पहुँचाते थे। हमारी समस्या है जैसे अभी मणिपुर का चल रहा है, हमारे बहुत जगह क्रॉस रैली मना रहे हैं।